वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, आओ सब तो पहला साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वालों फतेह का नारा बुलंद करिए। सारे कह दो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दया सतगुरु जिया की कृपा सदका अज आप उस स्थान के उस पावन पवित्र स्थान के दर्शन कर जा रहे हाँ जिथे सतगुरु साहब श्री गुरु नानक पातशाह जी अपने जीवन के अंतिम समय विच 18 साल दी उम्र जो है रावी कंडे दे नज़दीक सतगुरु जी ने श्री करतारपुर साहिब बतीत की। सतगुरु इस रावी कंडे रावी दरिया के नेड़े करतारपुर साहिब जो उन्होंने बसाया सी उस जगह ते तकरीबन सतगुरु जी 1521 तो लैके 1539 तक इस स्थान ते सतगुरु जी ने किरत की, नाम जपया जपाया, आप लंगर छकया छकाया। सारे ही सतगुरु जी ने सानू ये नाल ज्ञान भी बख्शिश किया कि आप मालिक की बंदगी भी करनी है अते सच्ची सुची किरत भी करनी है, नाम भी जपना है अते अपने दसां नौं की किरत कमाई जिहड़ी है वह करनी है। सो गुरु प्यारियो आप गुरु प्यारियो आप इस पावन धरती के दर्शन करिए, नाल आप थोड़ा इतिहास थोड़ा जि सतगुरु जी की बाणी के वचन उसनों आप साझे करिए। सो गुरु प्यारियो ये साढ़े नाल जो वीर सन बस विच ये सारे साढ़े नाल यात्रा कर रहे हैं। तो गुरु प्यारे ये देखो ये जो आप करतारपुर साहिब पुजते हाँ तो ये छोटी जी मार्केट है जितों कुछ जी जो अपना खाण पीन का कपड़ लीड़े का कोई समान जो अगर खरीदना हो तो वह खरीद सकता है। इतने पूरी तो पूरी जो पाकिस्तानी करंसी जी हो उस नाल ही समान मिलता है। तो आप जो इस मार्केट तो थोड़ा अगह आने हाँ ते सानू दर्शनी डोडी के दर्शन होंगे हैं। इस साइड तो जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इस साइड तो आप पाकिस्तान की साइड तो इस जगह तो आप अंदर एंटर होना है। प्रॉपर इतने आप जी का वीज़ा चेक किया जाता है अते आप जी को फिर अंदर एंट्री मिलती है। तो ये जो सामने नज़र आ रही है इस तरफ बिल्डिंग जो है ये दर्शनी डोडी बिल्डिंग है। ते आओ आप अगे दर्शन करिए जी। वाहिगुरु धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। करतारपुर जो शब्द जो है वो ही बाणी च भी आता है। पंचम पिता साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी पवित्र अरसना तो शब्द उच्चारण होया है। सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कारज पे रास, करतारपुर करता वसे संतन के पास। क्यों मालिक जो है वो वाहिगुरु निरंकार जो है इतने भाव के करतारपुर संगत में बोलिया है। परमात्मा संगत को वसदा है, संगत विच विसंगत हर पर वसे जियो। तो संगत ही बहुत बड़ी महानता है। तो सुगुरु प्यारे आप अंदर जो आने हाँ इस दर्शनी ड्यूटी विच ते अंदर ये नाली जोड़ा घर है, जोड़ा घर तो अगे ये पूरी सराह है। तो ये गुरु प्यारे मॉडल जो है मौजूदा मॉडल इस वक्त है। तो कुछ मॉडल होर भी बनाए हुए ने इस जगह पर दसन वास्ते कि आने वाले समय विच ये जो कंपलैक्स जो है गुरुद्वारे साहब जी ये किदा बनेगी। तो ये मेन बिल्डिंग है गुरु प्यारे जिसके आप दर्शन कर रहे हाँ। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये पुरानी बिल्डिंग है जो कि कहें कि हाड़ जो आया सी रावी ज़्यादा। तो ये जो बिल्डिंग जो है ये पूरी ख़त्म हो गई सी तो पटियाला
जो महाराजा सी भुपिंदर सिंह जी, उन्होंने फिर 1920 तो लैके 1919 तक, ये 1920 तो लैके 1929 तक ये बिल्डिंग जी है तैयार की सी महाराजा भुपिंदर सिंह जी ने। तो कहते कि 1,25,600 रुपये ये बिल्डिंग तैयार की सी, जो रावी दरिया के कारण जी बिल्डिंग जी है नष्ट हो गई सी। तो ये पुरानी पिक्चर है करतारपुर साहब जी के पुराने। देखो रवि रावी नदी नदी जो है दरिया नजर आ रहा सामने। तो छोटी कंपलैक्स थी, लेकिन करतारपुर कॉरीडोर खोलने के बाद जो पाकिस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार ने मिलकर कॉरीडोर खोलिया और होर सराव बनाइया, होर सोहना करके बनाया, मालक चढ़ती कला बख्शे, पंथ नू भी सारे नाम बाणी दाता बख्शे। तो ये गुरमुख प्यारे पुरानी बिल्डिंग है। तो देखो उस वक्त भी काफ़ी सोहनी बिल्डिंग सी, लेकिन हुण कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती इस जगह पर रिहायश वास्ते, भावें जिन्नी मर्जी संगत आ जाए, भावें 2,000 आ, 3,000, 4,000। सो गुरमुख प्यारे ये जो बोतल है ना, ये बाबे नानक दे खूह दे विचों पानी कढ के उसनों डिस्टिल्ड करके प्यूरीफाई करके उसनों ये बोतलों च भरिया जाता है। तो बाकायदा इतने वो लगे है प्लांट लगे है अंदर, जिस नाल ये पानी जड़ा है ये भरिया जाता है। तो पानी भर के फिर की संगतां नूं दिता जाता है, जो भी संगत फ्री ऑफ कास्ट है कोई भी ले। दस ये पुराना खूह है बाबे नानक का, तो इसनों थोड़ा मोडीफाइड करके किया किया होया हूँ। ते अगे तुहानू पुराने खूह दी जो मेन जड़ी उस खूह दी दर्शन भी करावांगे। तो सतगुरु जी ने कृपा की, दया की, इस पावन पवित्र स्थान के दर्शन बख्शे मालक जी। कटान कटान शुकराना अकाल पुरख वाहिगुरु जी का, धन धन गुरु नानक पातशाह जी का जिन्होंने ये दर्शन बख्शे। तो सुगुरु प्यारे ये पुराना खूह है। सो पहला ना खूह इस तरह होंदा सी, लेकिन बाद च थोड़ा जिहा उसनों मोडीफाइड किया गया है सरकारां वल्लों, संगतां वल्लों, पंथ वल्लों, कार सेवा वाले बाबे जो कम सेवा करते हैं बिल्डिंगां दी। सो ये गुरुख प्यारिया ये जो गोला है ना, ये इतिहास इतने लिखा हुआ है कि 1971 भारतीय फौजा वालों ये गोला सुट्टिया गया सी। तो ये गोला जिहड़ा खूह च डिग गया सी, जिस कारण की होया कि खूह बिल्डिंग जो है नष्ट नहीं हुई, तो खूह ने इस गोले को अपने विच ही संभालिया सी, ना ही फटिया है। तो बाद च इसनों कढ के बाहर जो है मैनेजमेंट कमेटी लगाया होया दसन वास्ते कि देखो मालिक की किड्डी वड्डी कृपा है। बेशक हिंदुस्तान फौज ने भावें किसी कारण भी सुटिया हो, कि अनजाने विच गलती विच डिग गया हो, जा किसी तरह वो अपना विचार नहीं करते, लेकिन मालिक की कृपा नाल देखो बड़ी कृपा हुई इस खूह ने ये गोले संभालिया। तो ये गुरु प्यारे जी ये जो बिल्डिंग अपना जो देख रहे हैं आप, पानी अज भी वो खूह जरा चलता पाया, टिंडा उदा ही पानी भर रही है। तो महसूस करो कि बाबा नानक भी इसे तरह इस खूह को वरत के पानी जड़ा है अपने खेतों वाल तोरते सन। सो गुरु प्यारे आओ अगे आप दूसरी जगह दर्शन करिए। ये वो मजार है गुरु प्यारे जिथे इतिहास दसदा है कि जो बाबा नानक पातशाह जी 1539 ज्योति जोत समा गए तो चादर लैके लेटे हुए सन। तो हिंदू वीर मुस्लिम वीर ने झगड़ा हो गया उन्होंने को, कि कोई कहता कि गुरु नानक जो वीर सी आपां उसनों दफराना है, तो कोई कहता कि आपां इन्हों का अगन भेट करना इन्हों के पार्थिव पवित्र शरीर में। ये जो पहला आपां देख रहे हैं ये पहला हुंदा सी इदां दा, ये समाध जो मजार जो है बाद च उसनों मोडीफाइड किया गया। तो गुरु के प्यारे फिर कुछ वीर ने की किया, कहते कि ये झगड़ा ना करो, कुछ महापुरशों ने समझाया कि झगड़ा ना करो, आपां हल कोई होर लभ लैंदे हां। तां गुरु प्यारे जी चादर चुकी, देखिया थले बाबा नानक का वो पवित्र शरीर नहीं सी,
ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਚਾਦਰ ਫਾੜੀ, ਫਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਚਾਦਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਚਾਦਰ ਅਤੇ ਕੁਛ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਅੱਧੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਛ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੇ ਸਨ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ। ਅਤੇ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਨਾਖੀਐ ਬੈਂਜ ਪਿੰਡਾ ਤੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਿਆ ਸੋ ਕੋਲ ਕਰੇ ਭਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ, ਹਰ ਗੰਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਭੋਜਨ ਨਾਈ ਹਾਰਿਆ ਪਤੂ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਰਿਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ, ਚੀਜ਼ ਕਰ ਮਨ ਭਾਂਦੇ ਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਕਰਮ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰ ਸੁਖਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਨਾਮ ਰਾਜੇ ਉਸ ਕੀ ਸੋਨ ਤਨ ਪਾਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਦਰੂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਅੰਦਰੂ ਉਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ
पटियाला जी ने बनाई सी जां कुछ जो है पुराने उस तो पुरानी बिल्डिंग है जिन्होंने बनाई सी महाराजा रणजीत सिंह जां और किसी ने भी गुरमुखा ने सेवा की जिन्होंने तो ये हुक्मनामा अज का इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता हर जाके बस है काम ते ना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जी रहता सर्व सुख पावे मेरे मना ये फिर उस जगह के दर्शन कर लो जी जो जिथे संस्कार किया गया सी अगन पिटा किया गया सी ये बारली बिल्डिंग है पूरी आओ आप अगे दर्शन करिए ये गुरु प्यारे श्री साहब का स्टैचू कह लो जा कुछ भी ये बनाया हुआ है करतारपुर साहब जो लांघा खोलिया 9 अक्टूबर 9 नवंबर 2019 550वें प्रकाश दिवस दे सतगुर ने कृपा की सी ते इमरान मिस्टर अमरी इमरान खान सरकार वालों ये उपराला किया गया सतगुर कृपा कर चढ़ती कला बख्शे इन्होंने भी जिन्हें जिन्ह ने ये खुले दर्शन जो है करवाण विच पंथ की मदद की गुरसंगत की मदद की सारे सतगुर चढ़ती कला बख्शे ये अपना हिंदुस्तान है इस तरफ कई जीव जिहड़े बिदड़ बीजा आते हैं इस कॉरीडोर तो आ सकते हैं तो सतगुर कृपा कर जिन्होंने ये देखो गुरु प्यारे इधर जो ना इस तरफ आते हैं जिहड़े बिदड़ बीजा लैके आते हैं तो सतगुर कृपा कर जिन्होंने भी संगत दरदासा पूर्ण करवा की सतगुरु जी ने कृपा की जो सहाई बने उन्होंने मालक चढ़ती कला बख्शे क्योंकि नित प्रति अरदास करते हैं संगत सतगुरु ने अरदास कबूल की सो आओ आप सरोवर के भी दर्शन करवाइए आप जी ने जो पवित्र सरोवर है इत थोड़ा जा अगे जा के आप लैफ्ट साइड मुड़ के ते सामने सरोवर है जी इतने संगत इशनान करके अपने तन की मैल धोते हैं गुरु साहब के हजूरी में आके अपनी मन की मैल धोते हैं तो जेड़े तो कर्म करते हैं तो वधिया है अपने मन में भी धोते हैं तन भी धोते हैं मेन मन की गल है मन धोवै शब्द लागो हर सिमरन चित लाए सो गुरुख प्यारियो ये आओ अपन गुरु घर के लंगर के दर्शन करिए लंगर है जी देखो किदा चार लंगर प्रशादा जो है सारा कुछ तैयार किया जा रहा ये गुरमुख भांडे सेवा कर रहे कोई बरतान की सेवा कर रहे हैं तो मालक का जरा वीह का लंगर लगे हुआ है वैसे भी रुपये ने ना तो खत्म हो सकते हैं तो ना ही गुरु का प्यारे गुरु घर का लंगर खत्म हो सकता है क्योंकि वो भी खत्म नहीं होने तो लंगर किमें खत्म होगा क्योंकि मालिक दे कुछ भी कर सकता है आप नारायण कलातार जग मैं पर भर आप ही बाबा नानक नारायण के रूप सन आप ही सी खैर बाबे नानक ने यो सिखा दी सिक्ख्या दी है कि आपे तो ही तुम्हें भी जो नाम जपोगे उस नाम के ही समा जाओगे क्योंकि पातशाह कहते हैं जिन हर जपया से हर जिन्होंने हरी ने जपया वह हरी दे ही रूप हो जाते हैं ये संध्या वेल का दृश्य है कि सोहना लग रहा दरबार साहब भी इदा लग रहा कि सूरज जड़ा है चुक के सलाम करता पे आ बाबे नानक न कि मैं हूँ जा रहा ते सवेरे फिर तेरे दर्शन करांगा ते देखो किड्डी वड्डी कृपा मालक दी सतगुरु कृपा करन सारियां संगतां नूं दर्शन करवान ते सरकारां की बेनती है कि तकरीबन जिहड़े इत्थों पासपोर्ट लैके बिदड़ वीजा जो बाबा डेरा बाबा नानक दी तरफों आंदे हन तो उन्हां सरकारां की बेनती है कि बगैर वीजा बगैर पासपोर्ट एंट्री दी जाए ताकि कई बजुर्ग जिहड़े बेचारे हैं कौन
पासपोर्ट बना रहे हैं नहीं मशक्कत करने, क्योंकि उन्होंने कोई ले जाने वाला भी नहीं होंगे पासपोर्ट ऑफिस। तो मालिक कृपा करे सच्चे पातशाह, सरकार को बेनती है कि जिदा पासपोर्ट रखे तुसी, पैसे भावें ज़्यादा कर लो लेकिन विदाउट पासपोर्ट ही तुसी एंट्री कर दो, बड़ी कृपा होएगी। सो गुरु प्यारे, इस जगह पर जो तुसी बाया करतारपुर साहब आना है, बाया डेरा बाबा नानक की तरफों आना है, तो तकरीबन 5-7 किलोमीटर का रास्ता है। सो वो विदाउट पा वीज़ा, लेकिन पासपोर्ट होना जरूरी है, तो फीस लगती थोड़ी जी, वो आपां देनी होंगी फीस, तो आके दर्शन कर सकते हैं। ग्यारह बजे तो लैके शाम को 4 बजे तक एक कोरिडोर जोड़ा है डेरा बाबा नानक दरगाह खुला होंदा है 7 दिन। तो जे आप वीजा लैके बाया बाघा बार्डर आना है तो आप लाहौर शहर तो तकरीबन जो है 130 किलोमीटर दूर है, अते ये शकरगढ़ पिंड कोठे शकरगढ़ नारोवाल पंजाब सूबा पाकिस्तान विखे है, तकरीबन 3 घंटे का सफर लगता है। इत्थे साहिबा ने साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी ने बचन किए सी, किरत करो नाम जपो अते वंड छको, आप ही जपना है आप जपे अपने नाम जप इस बंडना है, तो अपने दसवंध में भी आप अगे बंडना है, लोड़बंद की मदद करनी है। सो गुरु प्यारे, इसी श्री करतारपुर साहब जी का थोड़ा जहा हिस्टरी थोड़ा जहा इतिहास आप जी इस सन्मुख करने का जतन किया है, बेअंत भुला चुका हो जाती है ना, आप संगत गुरु साहब जी बख्शन योग है, बख्श लेना जी सतगुरु कृपा कर दया कर। सो गुरु प्यारे, बुलाओ फतेह जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे।